वार्षिक निरीक्षण के लिए जेल में गए, तो जब निरीक्षण के दौरान हम एक सेल से गुजर रहे थे तो एक बच्ची, प्यारी सी बच्ची को वहाँ खेलते देखा। उसके विषय में पूछताछ की तो पता चला कि उसके पिता यहाँ निरुद्ध हैं और बच्ची भी इस कारण से, माँ ना होने के कारण, यहाँ महिला कैदियों के द्वारा लालन पालन के तहत यहाँ है। तो स्वाभाविक प्रश्न उठा कि इसकी शिक्षा और अन्य उपक्रम कैसे किए जाते हैं। तो उस उत्सुकता के तहत जब ये आवश्यकता महसूस हुई कि इसके लिए स्कूलिंग और अन्य चीज़ों की आवश्यकता है, तो एक स्वाभाविक सा कदम ये भी जहन में आया कि इसके अलावा इस तरह के अन्य कितने बच्चे हैं। तो कुछ और संख्या भी सामने आई, जिसमें कुछ दुधमुहे भी थे जिनको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु आंगनबाड़ी या इस तरह के अन्य केंद्रों की ज़रूरत तो थी। तो जो भी संख्या सामने आई उसमें सभी के लिए उचित व्यवस्था, उचित स्पॉन्सर, उचित कार्रवाई की, और वो दहाई की संख्या में थे, और सभी को उचित निराकरण कर दिया, सभी को उचित निराकरण कर दिया। यह बच्ची प्रथम बच्ची थी जो प्रतीक के रूप में आपके सामने है।